हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ट्रांसपोर्ट एक चैन लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर से एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में गया, सेकंड में गया, थर्ड में गया, और इस टाइप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है चैन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन चैन, फिर इट इज़ द लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की प्रोसेस क्या होती है, चलती है। तो मान के चलो ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर से माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये सेंटर की साइड वाली दिख रही है मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की क्या होगी, प्रोसेस चलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर से द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट रिस्पायरेटरी ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रिस्पायरेटरी प्रोसेस क्या होती है, चलती है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, और कॉम्प्लेक्स 5 पे क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। लोकेशन, तो लोकेशन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर से क्या होता है, ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलती है। और जिस टाइप से मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और यही क्रिस्टी पर क्या होती है, इसी क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्या होती है, प्रोसेस चलती रहती है। फिर यहाँ पर से मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की असेंबली लिखा है, जिसमें क्या है, NAD+, FeN, कोएंजाइम BC, यही सब कॉम्प्लेक्स है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। इस ATP के सिंथेसिस को कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है, 5 कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस में 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, और लास्ट में क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, प्रोसेस करके H2O का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और जो लास्ट 5 वाला होता है उसमें क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। तो हम सबसे पहले अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में किस टाइप की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर से मैंने लिखा है कि NADH डिहाइड्रोजिनेस, मतलब इसमें समझ आ रहा है कि NADH का क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। तो विथ द रिमूव ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू FeN एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटीन फ्रॉम FeNH2 एंड FeS, इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, देन ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्यूनॉन और 4 प्रोटॉन आर पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने ड्राइंग बनाया है। तो यहाँ पर से मैंने लिखा है कि जो NADH+H+ है उसमें NADH डिहाइड्रोजिनेस होगा। तो इसमें अब NADH डिहाइड्रोजिनेस की जब प्रोसेस होगी तो NADH NAD+ में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से NADH में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्या बन, मतलब कि FeN से क्या करता है, FeN के पास चले जाएगा H2O, उसके बाद क्या हो जाता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास चले इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होता है, कोएंजाइम के पास क्या होता है, चला जाता है। और कोएंजाइम को यूबिक्यूनॉन भी कहा जाता है, यह है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो FeD जो रहता है ना, वो क्या करेगा, सक्सिनेट जो होगा वो उसको H2 हाइड्रोजन एटम देगा, 2 हाइड्रोजन एटम, और जिससे कि क्या हो जाएगा, FeDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सक्सिनेट जो होगा प्लस FeD और किस में, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया, और क्या करेगा, FeDH2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फिर कॉम्प्लेक्स और क्या करता है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना, उसमें हाइड्रोजन पंप नहीं होता है, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में हाइड्रोजन पंप होता है, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, पंप होता है, ठीक है। और लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पंप नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स 3, तो FeS को क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन एसोसिएट विद साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 4
प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आर पंप्ड बाय कॉम्प्लेक्स थ्री, तो कॉम्प्लेक्स थ्री के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन पंप किए जाते हैं और साइटो यानी कि एफ ई एस यानी कि आयरन सल्फेट जो प्रोटीन होता है वो साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी वन से क्या होता है अटैच रहता है कॉम्प्लेक्स थ्री में। अभी हम इसको क्या होता है इसको जानेंगे, फिर इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फोर, यहाँ पर साइटोक्रोम सी भी होता है। इज अ स्मॉल प्रोटीन लूजली अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड द सर्व एज द मोबाइल कैरियर टू ट्रांसफर प्रोटॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स। ये जो साइटोक्रोम सी होता है ना वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर के क्या होता है बीच में रहता है, और ये क्या काम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स थ्री के पास इलेक्ट्रॉन थे वो कॉम्प्लेक्स फोर को ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे मोबाइल कैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फोर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहा जाता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है मतलब कि अपने पास ला लेता है, तो इसलिए इसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहा जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स टू द कॉपर सेंटर कॉपर ए एंड कॉपर बी एंड साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री कॉम्प्लेक्स फोर इज द टर्मिनल ऑक्सीडेज एंड ब्रिंग अबाउट द फोर इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ऑफ ओ टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस टू। तो ये जिस सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, और मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थ्री से आए थे उसको कॉम्प्लेक्स फोर ले लेता है और क्या करता है ओ टू के साथ रिएक्शन कराता है ओ टू, और जो बच्चा वाला मतलब जो नीचे से मैट्रिक्स के पास से हाइड्रोजन वो भी क्लियर कर लेता है और क्या कर लेता है एस टू ओ का फॉर्मेशन कर देता है। और कॉम्प्लेक्स फोर कॉम्प्लेक्स फाइव इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि क्या होता है इसमें कि इसमें ना जो एटीपी का क्या होता है सिंथेसिस होता है एडीपी प्लस पीआई के प्रेजेंट में, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या करते हैं ओ टू के प्रेजेंट में एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की प्रोसेस में क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स वन है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर एंड देन कॉम्प्लेक्स फाइव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की क्या होती है प्रोसेस चलती है। तो हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स वन के बारे में पढ़े कि कॉम्प्लेक्स वन में एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेसिस होता है, कॉम्प्लेक्स टू में क्या होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या होता है कि साइटोस बी सी वन कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स फोर को क्या बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स फाइव में क्या होता है एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो फिर से हम उस प्रोसेस को देखेंगे स्ट्रक्चर से कि यहाँ पर से एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से NADH का डिहाइड्रोजिनेस होगा, तो डिहाइड्रोजिनेस होगा तो NAD प्लस बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है मतलब कि जब NADH से निकलेगा तो यहाँ पर से H प्लस भी निकलेगा और क्या करेगा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है FeMn के पास जाता है FeMn के पास जाता है और क्या करता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गया और क्या करता है ये फोर हाइड्रोजन को क्या करता है पंप करता है, और उसके बाद क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टू के पास क्या होता है नहीं जाता है। फिर यूबिक्विनोन के पास जाने के बाद डायरेक्ट ये कहाँ चले जाता है कॉम्प्लेक्स थ्री के पास चले जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स थ्री के पास जाने के बाद यह साइटोक्रोम बी और यहाँ पर से साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है एफ ई एस के पास जाता है, फिर उसके बाद साइटोक्रोम सी के पास जाता है। ठीक है, ये बी नहीं है, यहाँ पर साइटोक्रोम सी के पास जाता है, इसलिए से साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और ये क्या करता है फोर हाइड्रोजन को क्या करता है पंप करता है। उसके बाद यहाँ पर से आउटर सरफेस में यहाँ पर से इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है साइटोक्रोम सी क्या होता है अटैच्ड रहता है। ठीक है, और साइटोक्रोम सी क्या करता है इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कॉम्प्लेक्स इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कॉम्प्लेक्स फोर में क्या करता है ले जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स फोर से क्या करता है ये साइटोक्रोम ए और ए थ्री के पास क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्या होता था चला जाता है। अब उसके बाद सारे मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए कॉम्प्लेक्स फोर के पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फोर के पास क्या होता है ओ टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से ओ टू और इलेक्ट्रॉन और नीचे से क्या होता है यहाँ मैट्रिक्स के पास बहुत सारे हाइड्रोजन रहते हैं, तो हाइड्रोजन क्रिया करके कहते हैं एच टू ओ का क्या कर देते हैं फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन रहते हैं,
बहुत से हाइड्रोजन रहते हैं, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन रहते हैं और यहाँ पर से क्या होता है कॉम्प्लेक्स फाइव में क्या होता है ये से F0 और यहाँ पर से F1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो टेल वाले पोर्शन को F0 कहते हैं और ये हेड वाले पोर्शन को F1 कहते हैं। फिर यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है, इससे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ATP प्लस यहाँ पर से इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में कन्वर्ट हो गए यहाँ पर से O2 के प्रेजेंट में और ATP का क्या कर देते हैं सिंथेसिस कर देते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की क्या होती है प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर से मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर से मैंने कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर को बताया, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स टू में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सक्सीनेट होता है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है और सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होकर क्या करता है अपने हाइड्रोजन को क्या कर देता है एफ ई डी को दे देता है, जिससे कि क्या होता है ये एफ ई डी एस टू में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नहीं सॉरी एफ ई डी एच को एफ ई डी एस टू बन जाता है, जिससे कि क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है इसका डिहाइड्रोजिनेसिस होता है, जिससे कि क्या होता है ये एफ ई डी प्लस में क्या हो गया अभी कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद फिर से क्या करता है ये अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है साइटोक्रोम थ्री को दे देता है। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से फोर हाइड्रोजन, ठीक, ये भी फोर हाइड्रोजन और यहाँ पर से टू हाइड्रोजन, तो फोर हाइड्रोजन एक मतलब एक फोर हाइड्रोजन मतलब क्या होता है एक एटीपी होता है। तो यहाँ पर से हमारे पास एन ए डी एस से कितने हाइड्रोजन मिले, तो एन ए डी एस से हमारे पास 10 हाइड्रोजन मिले, तो एक एन ए डी एस से हमें कितने हाइड्रोजन मिले तो 10 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर से कितना एटीपी मिलेगा हम लोग को 2.5 एटीपी मिलेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मतलब एक एटीपी होता है, लेकिन एफ ई डी एस टू से हम लोग कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो यहाँ पर से 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर से कितने हाइड्रोजन होंगे 6 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर से 1.5 एटीपी मिल रहा है एक NADH से। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें कि 1 NADH से 2.5 ATP मिल रहा है और 1 FADH से 1.5 ATP मिल रहा है। और इसमें 5 टाइप के क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 1 फिर कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो ATP के सिंथेसिस में हेल्प करता है और कॉम्प्लेक्स 4 तक क्या होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मतलब कि यहाँ पर इससे कॉम्प्लेक्स 4 में ही क्या हो जाता है H2O का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस इसलिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहा जाता है। थैंक यू।